मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रदेश की सियासत में नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे और भाजपा नेता अभिषेक भार्गव सागर की सुर्खी विधानसभा में जनसभा कर रहे थे, तभी उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नेताओं के घरों में नोट बरसते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। देखें ये खास रिपोर्ट। पंची नहीं छोड़े विधायकी और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, कौ के लालच में पैसों दे लो के लालच में भी आकर नहीं छोड़ सका आदमी जे पैसों की बात है गलत, इतने पैसा ले लाए उतने पैसा ले लाए। अरे भैया मंत्री के घर में पैसा बरसत है, समझे समझे, पत्रकार बंधु बैठे हैं आवाज आ रही उनकी, कह रहे मंत्री के घर में पैसा बरसत है और जो उनको तय करने हैं कि वो अपना बरसत पैसा भरने हैं कि बांट देने, इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि उनने पैसा लेकर पार्टी बदली तो मैं इनको यही भारतीय जनता पार्टी की इस अनैतिकता से बनी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव जी के पुत्र ने कल सुर्खी चुनाव क्षेत्र में आम सभा में ये कहा कि जब दुनिया में कोई आदमी 5 पैसे भी नहीं छोड़ता है, बुंदेली में उसको पंजी बोला जाता है, तो उनने कहा जब पंजी नहीं छोड़ता आदमी तो लोग विधायक ही छोड़ के क्यों आ गए, क्योंकि मंत्री बनने पर मंत्री के घरों में पैसा बरसता है और ये मंत्रियों को तय करना है कि वो पैसा आपसे अपना घर भर लें या उस पैसे को जनता में बांटें, उनके घर में पैसा बरस रहा है। ये गोविंद सिंह राजपूत की सभा में अभिषेक भार्गव जो गोविंद गोपाल भार्गव जी के पुत्र हैं उन्होंने ये कहा है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी से हमारा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का कि वो बताएं कि उनके मंत्रियों के घरों में पैसा कहाँ से बरस रहा है और ये जो बरसता हुआ पैसा है इस पैसे का जो है ये कहाँ से आया है, इसका स्रोत क्या है, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का लड़का कह रहा है, ये पैसा जो है पीला है कि सफ़ेद है, कागज का है कि सोने का है, ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और इस बात का जवाब देना चाहिए कि आज जो है ये लूटखोरी जो मध्य प्रदेश में हुई है पिछले 7 महीनों में इसकी बरसात किस किस के घरों में हो रही है और इसका इस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि इस पैसे को बांटो जनता में चुनाव जीतने के लिए, तो क्या यही चोरी का डाके का पैसा बरसता हुआ चुनाव में संसाधनों की तरह प्रयोग किया जा रहा है, इस बात पर सफाई मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, उनकी कैबिनेट को देनी चाहिए और उनके कैबिनेट में बैठे हर मंत्री को देना चाहिए कि किसके घर में कितना पैसा बरस रहा है, किसके घर में कम बरस रहा है, किसके घर में ज़्यादा बरस रहा है। ये सवाल आज महत्वपूर्ण हो गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग दल बदल करके गए हैं और जो जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी है वो किस उद्देश्य से विधायकी छोड़ी है इसका खुलासा आज अभिषेक भार्गव ने कर दिया है और उन्होंने जो है किस लालच में किस लोभ में ये डील और सौदे किए हैं इस सौदे की भी असलियत आज अभिषेक भार्गव ने खोल दी है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जनता तो लिए बैठी है तलवार जो है भूलुंठित कर देगी इनके सारे दुष्प्रयत्नों को और ये सरकार आएगी कांग्रेस की, लेकिन आज नैतिकता का तकाजा है कि वो जो मौन व्रत धारण करने वाले मुख्यमंत्री जी आज कम से कम इस भ्रष्टाचारी बरसात के ऊपर अपना मौन तोड़ें और मौन खोलें और जनता को इसका जवाब दें।